आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सीटों को लेकर कोई फार्मूला तो नहीं निकला, लेकिन मुंगेर सीट पर अनंत सिंह की दावेदारी को लेकर चर्चा जरूर हुई। सूत्रों की माने तो महागठबंधन के मंथन में अनंत सिंह को मुंगेर सीट से उतारने को लेकर कांग्रेस और आरएलएसपी एक साथ हैं, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और आरजेडी अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। मंथन में नहीं निकला कोई फार्मूला, तो इसकी घोषणा हम लोग खरमास के बाद करेंगे। सीटों को लेकर जारी है सस्पेंस। जब तक के खुलासा नहीं करेंगे तब तक कि एनडीए के लोग न सामने आ जाए। सस्पेंस के बीच फिर से अनंत कथा। कुछ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज होती है, वो जब तक फाइनल नहीं होती इस कैमरे के लिए नहीं होती। तेजस्वी के घर पर मंथन में भले ही कोई फार्मूला न निकला हो, लेकिन मुंगेर सीट की अनंत कथा पर चर्चा जरूर हुई। सूत्रों की माने तो सोमवार को महागठबंधन में सीटों के गुणा गणित पर चर्चा हुई और इसी चर्चा के केंद्र में अनंत सिंह आ गए। कुछ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज होती है, वो जब तक फाइनल नहीं होती इस कैमरे के लिए नहीं होती है। जब फाइनल हो जाती है आपको मैं बुलाऊंगा, आपको बताऊंगा। माना जा रहा है कि अनंत सिंह को कांग्रेस और आरएलएसपी का साथ मिला हुआ है, लेकिन उनके इस फैसले से आरजेडी दूरी बनाए हुए है। तो क्या सीटों के बंटवारे से पहले ही महागठबंधन में गांठ पड़ गई है, या फिर पर्दे के पीछे की कहानी अभी बाकी है? जब तक के खुलासा नहीं करेंगे तब तक कि एनडीए के लोग न सामने आ जाए कि उनका कौन कंस्टिट्यूंसी में कौन कैंडिडेट रहेगा, कौन पार्टी में कितना कैंडिडेट रहेगा। समस्या एनडीए में है, जहां उनकी एक और सहयोगी आज उनको छोड़ के चली गई। आखिर एनडीए से ही लोग क्यों भाग रहे हैं? हमारी यहां इनकमिंग फैसिलिटी बढ़ रही है, उनके यहाँ आउटगोइंग फैसिलिटी बढ़ गई। लेकिन विरोधियों को लगता है कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़े की हालात महागठबंधन में हो गए हैं। जमावड़ा इतने लोगों का हो गया है कि सीटों का मसला फंस गया है। ये लोग पूरे बिहार में गठबंधन कर ही रहे हैं, पूरे देश में सीट बांट दें, कुछ केरल में दे दें, कुछ तमिलनाडु में दे दें, बिहार की कई पार्टियों को, क्योंकि सब अपने आप को बड़ी बड़ी पार्टी मानती है। इनका गठबंधन बहुत मुश्किल है। पहले सीटों का बंटवारा तो हो जाने दीजिए, ये महागठबंधन खंड खंड टूटता हुआ दिखाई देगा। वैसे सीटों को लेकर चर्चा के बीच अनंत सिंह के एंट्री से महागठबंधन में कहानी दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। विरोध में होने के बावजूद आरजेडी ने चुप्पी साध ली है और विरोधी इसका मजा ले रहे हैं। तो क्या कहीं महागठबंधन में सिर्फ टोफल के हालात तो नहीं हो गए हैं? दिल्ली से स्वप्निल सोनल के साथ आशुतोष चंद्रा और शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। मुंगेर सीट पर जल संसाधन मंत्री ललन सिंह के खिलाफ अच्छा प्रत्याशी कौन होगा? महागठबंधन की बैठक में जब 7 जनवरी की शाम यह सवाल आया तो अनंत सिंह का नाम सामने आ गया। सूत्रों पर भरोसा करें तो कांग्रेस और आरएलएसपी की ओर से अनंत सिंह को सशक्त उम्मीदवार बताया गया। अगर वो चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं तो उनको हम कैसे कहेंगे कि साहब आप चुनाव नहीं लड़िए? बैठक में भी ये कुछ बात हुई है और कांग्रेस नहीं नहीं नहीं, नहीं हमारे यहाँ कोई इस तरह की कल बातचीत नहीं। इतनी बात तो स्पष्ट है कि अनंत सिंह को जब जनता दल यू चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है, अनंत सिंह को के साथ नीतीश कुमार समर्थन ले सकते हैं, तो अनंत सिंह कोई सजायाफ्ता नहीं है अभी तक के। सजायाफ्ता अगर होते तो लाजमी तौर पर चुनाव से वो मुक्त हो सकते थे। वैसी स्थिति में विनेबिलिटी एक फैक्टर होता है। हो सकता है महागठबंधन के नेता इस पर विचार कर रहे होंगे कि उनको भी उम्मीदवार बनाया जाए। इस तरह के गठजोड़ अगर बन भी जाते हैं तो फिर जनता के सामने उनकी बिसात क्या है? जनता एक तरफ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खींची गई एक लंबी लकीर को देख रही है, इसलिए बौने विपक्ष से हम लोगों को कोई खतरा नहीं। जो महागठबंधन के बारे में आप पूछ रहे हैं, ये महागठबंधन नहीं है, ये समझिए ठगबंधन है। इसमें कोई एजेंडा नहीं है, ना कोई इनके